बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में एक लकड़हारा रहता था। वह अपने काम में ईमानदार था और बहुत ही मेहनती था। लकड़हारा हर दिन पेड़ों को काटने के लिए पास के जंगल में जाता था। तो इस तरह लकड़हारा जंगल से लकड़ियों को काटकर गांव में लाता और उन्हें व्यापारी को बेच देता। जो भी पैसे मिलते, उन पैसों से वह अपना और अपने परिवार का पेट पालता था। वो प्रत्येक दिन ईश्वर से यही प्रार्थना करता था कि उसके बच्चे और पत्नी हमेशा खुश रहें और दो वक्त की रोटी ईश्वर उन्हें प्रदान करते रहें। लकड़हारा और उसका परिवार इस प्रकार के साधारण जीवन से खुश थे। एक दिन सुबह लकड़हारा लकड़ियां काटते काटते घने जंगल में नदी के किनारे चला गया। उसी समय उसकी कुल्हाड़ी उसके हाथ से फिसल कर नदी में गिर गई। कुल्हाड़ी के गिरते ही वो परेशान होकर रोने लगा, क्योंकि नदी बहुत गहरी थी। वो अपनी कुल्हाड़ी नहीं निकाल सकता था और उसके पास केवल एक ही कुल्हाड़ी थी जो नदी में गिर गई थी। लकड़हारा यह सोचकर बहुत चिंतित हो गया कि अब वह कैसे अपना और अपने परिवार का जीवन यापन कर पाएगा। वो बहुत दुखी था और वही किनारे पर बैठकर भगवान से प्रार्थना करने लगा कि मुझे अपनी कुल्हाड़ी लौटा दो। थोड़े समय बाद उसे रोता देख नदी में से एक परी बाहर आती है और लकड़हारे से पूछती है, क्या समस्या है तुम्हारी? तुम रो क्यों रहे हो? बताओ क्या हुआ? लकड़हारे ने समस्या बताई और अपनी कुल्हाड़ी वापस लाने का अनुरोध किया। यह सुनकर परी ने कहा, मैं तुम्हारी सभी परेशानी दूर कर दूंगी। परी ने नदी में हाथ डाला और एक चांदी की कुल्हाड़ी निकाली और पूछा, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? लकड़हारे ने कुल्हाड़ी को देखा और कहा, नहीं, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। परी ने अपना हाथ फिर से गहरे पानी में डाल दिया और एक स्वर्ण कुल्हाड़ी दिखाई और पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? लकड़हारे ने कुल्हाड़ी को देखा और कहा, नहीं, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। परी ने कहा, एक बार फिर देखो, यह एक बहुत मूल्यवान स्वर्ण कुल्हाड़ी है। क्या तुम्हें यकीन है कि यह तुम्हारा नहीं है? लकड़हारे ने कहा, नहीं, यह मेरा नहीं है। मैं पेड़ों को सुनहरे कुल्हाड़ी से नहीं काट सकता। यह मेरे लिए उपयोगी नहीं है।
परी मुस्कुराई और अंत में फिर से पानी में हाथ डाला और लोहे की कुल्हाड़ी निकाली और पूछा, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? इस पर लकड़हारे ने कहा, हाँ यह मेरी है, धन्यवाद। परी लकड़हारे की ईमानदारी से बहुत खुश हुई, इसलिए परी ने लकड़हारे की ईमानदारी के लिए इनाम के रूप में उसकी लोहे की कुल्हाड़ी और अन्य दो सोने और चांदी की कुल्हाड़ियों को भी लकड़हारे को दे दिया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमेशा ईमानदार बनो, ईमानदारी आपका हमेशा साथ देती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए ताकि हमारे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।